अगर कोई अमीर है, कंपनी में काम करता है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर निकालना है तो मतलब 3-4 महीने की सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है। मगर अगर गरीब घर का बच्चा होता है, बेटी होती है, और उनमें से सबसे ज्यादा, यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गरीबों में से सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब हम गरीब की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादा पिछड़े हैं, ज्यादा दलित हैं, ज्यादा आदिवासी हैं, ज्यादा माइनॉरिटी, हाँ गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, मगर वो 90% हिंदुस्तान की आबादी ये लोग हैं। और फैशन क्या बना है, जहां भी ये लोग हैं इनको ठेकेदारी प्रथा पे लगाया जा रहा है। आप देखिए, मिलिट्री में अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जवान को उन्होंने मजदूर बना दिया कि भैया जब भी हम जाते तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हें सैलरी ठीक नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन मिले नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो मतलब जो गरीब लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए अग्निवीर, और जो अमीर लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए पेंशन, उनके लिए सारी फैसिलिटीज, उनके लिए मेडिकल, उनके लिए सब कुछ। तो आपने जो बात बोली कि ठेकेदारी प्रथा, तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है, सरकारी नौकरी में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। हम बंद करने जा रहे हैं। अगर अगर कोई भी हिंदुस्तान की सरकार में काम करेगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इज्जत से, रिस्पेक्ट से काम करेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उसे स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, बिना इसके सरकार में काम नहीं होने देंगे। और ठेकेदारी प्रथा में यह भी बात है कि जो काम करता है वो गरीब होता है, वो ओबीसी होता है, दलित होता है, आदिवासी होता है, माइनॉरिटी होता है, और जो ठेकेदार होता है वो अमीर होता है। हाँ, अमीर से अमीर होता है। तो ये तो सच्चाई है। तो इसको भी हम सरकारी ऑफिसेज में और पब्लिक सेक्टर में इसको हम बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम देखिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल क्या किया, 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अरबपतियों को पकड़ा दिए। अब हम चाहते हैं कि ठीक है, 10 साल इन्होंने ये की बदमाशी, अब हम पैसा, सरकार का पैसा गरीबों के जेब में डालना चाहते हैं। एक मैं भाषण में कहता हूं, उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और लाखपति किसको बनाएंगे? महिलाओं को बनाने जा रहे हैं।